हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज अभी सुबह के बज रहे हैं 11 और गाइज अभी हम जा रहे हैं अपने संडीला भाई, और घर से जैसे ही निकले और भीगते भीगते अभी हम आए हैं। यहाँ पर बारिश इतनी जोर से हो रही है, अभी तो फिलहाल बारिश बंद है क्योंकि बादल देखो इतने हो रखे हैं। तो इस टाइम ना दो दो मिनट में बारिश होती है, दो मिनट में बारिश होगी और दो मिनट में नहीं होगी। और यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर बारिश थोड़ा थोड़ा हुई और अभी वहाँ पर थे तो भाई एकदम से भीग भीग गए थे, तो वहाँ पर थोड़ी देर रुके एंड वहाँ से अभी फ़िलहाल यहाँ आ चुके हैं और अभी जा रहे हैं हम संडीला। तो अभी हम हैं और ये दीपक और हम लोग जा रहे हैं संडीला, और वह यहाँ पर थोड़ा काम है क्योंकि इसका फ़ोन पड़ा हुआ बनवाने को, तो वही लेने के लिए जा रहे थे और एक दो काम है तो देखते चलते हैं। और गई आप लोगों के इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप जो बैक और फ्रंट का कैमरा जो रोटेट करते हो वो कैसे करते हो, तो मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ कि एक दो बता देता हूँ भाई मैं कैसे अपना कैमरा रोटेट करता हूँ। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई आप गिम्बल का यूज़ करते हो, तो भाई मैं कोई भी गिम्बल का यूज़ नहीं करता हूँ। मैं अपने सिंपली से अपने फ़ोन से अपना ब्लॉग स्टार्ट करता हूँ और पूरा बनाता हूँ, मैं कोई भी गिम्बल वगैरह नहीं यूज़ करता हूँ। एंड आप लोगों को दिखाता हूँ मैं कैसे करता हूँ रोटेट अपना कैमरा। तो भाई सबसे पहले आप लोगों को अपना ब्लॉग फ्रंट कैमरे से नहीं बनाना है, क्योंकि हम बैक कैमरे से अपना ब्लॉग ऐसे स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं ऐसे अपना ब्लॉग स्टार्ट करता हूँ और ऐसे अपना कैमरा मैं पकड़ता हूँ, और जैसे कि हम पहले स्टार्ट करते हैं हेलो गाइज वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग, तो अभी हम लोग आए हैं यहाँ पर, तो ऐसे मैं करता हूँ इस तरीके से, कुछ ऐसे करके मैं इस तरीके से अपना कैमरा रोटेट कर लेता हूँ। और बैक ही कैमरे से मैं उधर का दिखा देता हूँ और बैक ही कैमरे से मैं अपना फेस भी दिखा लेता हूँ, तो कुछ ऐसे इस टाइप से करते हैं। एंड आप लोग आई होप आप जान गए होंगे, तो आगे से आप लोग बैक कैमरे से ही व्लॉग करना। तो गाइज मैंने आप लोगों को बता दिया, और भाई मैं कोई भी गिम्बल वगैरह नहीं यूज करता हूँ। एंड फिलहाल अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर और ये मेरी रही बाइक, तो फटाफट से चलते हैं संडीला, क्योंकि भाई बारिश का पता नहीं कब बारिश हो जाए और कब ना हो। जैसे ही बारिश हो उससे पहले हम लोग हो आए संडीला भाई, क्योंकि बारिश बहुत ही ज़्यादा हो रही है। और थोड़ा जाते हैं संडीला, आप लोगों को दिखाएंगे। काफ़ी दिनों से भाई कमेंट्स आ रहे हैं कि अपना संडीला दिखाओ, कि संडीला में क्या क्या कुछ नई चीज़ें हुई हैं, तो अभी चलते हैं ट्राई करते हैं, देखते हैं भाई क्या क्या हुआ है। तो भाई अभी फिलहाल पहुँच चुके हैं संडीला, बट हम लोगों को जाना है अभी संडीला के बड़े चौराहे पर, यहाँ पर दुकान नहीं है, तो चलते हैं भाई बड़े चौराहे पर। भाई देखो इतना क्राउड हो रखा है, यहाँ पर आते ही इतना क्राउड, एकदम भीड़ भाड़ और कीचड़ भी है। गाइस यहाँ पर जाम देखो इतना लग चुका है, वहाँ पर है भाई काफी दूर है रेलवे और फाटक, और वहाँ से वो बंद है तो इतना ज्यादा जाम लगा हुआ है। और यहाँ से देख सकते कितना क्राउड है, एकदम जाम लगा हुआ पूरा। अब ट्रेन आ गई है तो अब खुलेगा फाटक। भाई बहुत लंबी लाइन लगी, आप लोग पीछे तक देख रहे होंगे और आगे से भी बहुत लंबा लगा जाम लगा हुआ है। तो गाइस अभी फिलहाल भाई जाम हम छूट करके अभी आ चुके हैं बड़े चौराहे पर, और अब देखो भाई एकदम भीग चुके हैं भाई वहाँ पर खड़े खड़े, लगभग आधे घंटे तक हमें वहाँ पर वेट करना पड़ा, तब जा करके भाई जाम छूटा और ट्रेन आई, फिर फाटक खुला एंड फिर हम लोग आए। तो अभी चलते हैं दुकान पे एंड अपना मोबाइल लेना है। गाइज यहाँ पर एक बस आई थी और बस में भाई इतने सारे यात्री थे भाई, एकदम से उतरने लगे एकदम से चढ़ने लगे, देखो भाई कितना भीड़ है। तो देखो कीचड़ वीचड़ सारा कुछ हो रखा है। और अभी फिलहाल हम लोग आ गए हैं हरदोई और लखनऊ के मेन रोड पर, और आगे जस्ट है दुकान, फिर वहाँ चलते हैं। फाइनली गाइज पहुँच चुके हैं यहाँ पर, लगा दी अपनी बाइक और दीपक को वहाँ पर भाई फोन लेना है, वो लेकर के आता है पहले। तो गाइज भाई ने फ़ोन यहाँ से ले लिया, बस यहाँ पर कोई काम नहीं था, बस जस्ट फ़ोन लेना था तो फ़ोन ले लिया, और अब चलते हैं देखते हैं कहीं और। और देखो यहाँ पर बारिश कितना हुआ है, सब कीचड़ वीचड़ है। गाइज अभी हम संडीला में ही हैं, गाइज आप लोग यहाँ पर देख सकते हो भाई संडीला थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है भाई। अब देखो ये यहाँ पर बना हुआ और शायद से आगे भी बन सकता है उधर चौराहे के उधर, तो यहाँ पर बना हुआ है, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ भाई। और अब देखते हैं कब तक ये कंप्लीट हो पाता है। और भाई देखो अब ये रोड भी पूरा 4 लाइन बनेगा, अभी तक 2 लाइन था, अब ये पूरा 4 लाइन बन जाएगा, लखनऊ हरदोई वाला यही रोड है, अब एकदम मस्त बनेगा 4 लाइन पूरा। तो ये देखो अभी तक 2 लाइन था, और इधर से अभी यहाँ पर निकलने का जगह भी नहीं बचा हुआ है क्योंकि ये काम स्टार्ट है ना, इसीलिए देखो भाई कितना ऊँचा अभी तक बनाया। और देखते हैं ऊपर सरिया वगैरह उठी हुई हैं तो उस पर भी शायद बनेगा, एंड देखते हैं कब तक कंप्लीट हो पाता है।
भाई लग चुकी है थोड़ी बहुत भूख, एंड यहाँ से भाई पूड़ी उड़ी खा लेते हैं संडीला में। मस्त मौसम भी अच्छा है और इस टाइम ना पूड़ी उड़ी खाने में बहुत ही मजा आएगा। गाइस अभी हम लोग आ गए वहाँ से, और अभी हम आ गए थे डिगुंडी के इस पार, अपने गाँव की तरफ जा रहा हूँ और थोड़ा सामान लेना था तो वो भी ले लिया है। एंड अब चलते हैं घर, और अभी देखो थोड़ा थोड़ा धूप भी निकलने लगी है तो जल्दी से पहुंचते हैं घर पहले। तो अभी फिलहाल गाइस हम आ चुके हैं घर, और भाई यहाँ पर देखो ये रेडी हो रहा है क्योंकि भाई करना है एक वीडियो शूट। तो अभी चलते हैं भाई अपना स्टूडियो में एंड वहीं पर करते हैं भाई इसका पहले वीडियो शूट। और अभी का बज रहा है शाम के, बज रहा है लगभग चार शाम के बज रहे हैं, और मौसम देखो इतना खतरनाक, हमारे इधर मौसम इज वेरी खतरनाक।